हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी अभी मैं खाना खा रहा था और हमारे ग्लास लगाने वाले आ चुके हैं, ग्लास आ चुके हैं, तो चलो चलते हैं, देखते हैं। और पीयूष को डांट दिया बड़ी मम्मी ने, बिकॉज ये ब्लॉग नहीं बना रहा, वो आए तो छुप गया अंदर जाके। खाली भी देगा नहीं वही तो मैं तो सही कह रहा था, मैं तो कह रहा था कोई घर में आता है तो भिगी बिल्ली बन जाता है। सो गाइस, ये ग्लास है जो कि यहाँ पर विंडो पर लगेगा, देख लो काफ़ी मोटा है। फिर मैं एसी चला पाऊँगा अच्छे से और अब शिफ्ट भी हो जाएंगे, देखते हैं शाम तक क्या तो शिफ्ट भी हो जाए। सामान रखने में टाइम लगेगा शाम तक। टाइम क्या लगना है, टेबल और बेड ही तो रखना है, ज़्यादा सामान थोड़ी ना है। पंखा बंद कर, अभी वो लेके आ रहे हैं ना, अभी एक ग्लास और लाएंगे ना। तो ग्लास भी लग चुका है हमारा, मतलब आधा घंटा भी नहीं लगा इसको तो लगाने में। बट मेरा खाना पूरा सूख गया होगा, मैंने थाली में रखा था, तो मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। थोड़ा और सामान लेके आना है प्लम्बर का, बाकी ग्लास काफ़ी सही लग रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास है ताकि सनलाइट काफ़ी सही से आ पाए। अरे अंदर का तो दिख ही नहीं रहा ज़्यादा ना, अंदर का तो दिख ही नहीं रहा, रात को दिखेगा अंदर का, निकलेगा सूख जाएगा ना, पत्थर बन जाएगा। पत्थर नहीं बनेगा, पत्थर क्यों बनेगा यार, शीशा शीशा रहेगा, पत्थर क्यों बनेगा। सो गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है 4:30 और मौसम बहुत मस्त हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश आने वाली है। और अग्रिम क्या हाल चल, गेमिंग की चल रहा है, बात ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या है। चलो कोई बात नहीं, तो आज का सीन ये है, आज हम ओरियो के लिए घर बनाने वाले हैं DIY करके खुद। तो उसके लिए मेरे पास गत्ते तो पड़े हैं, क्योंकि मैंने AC लिया था, उसके गत्ते पड़े हैं बहुत सारे, तो अच्छे से बना लेंगे एक छोटा सा घर। हाँ, क्या लेके आएंगे, ग्लू गन, हॉट गन, तो वो मेरे पास है नहीं, तो पहले मार्केट चलते हैं वो लेके आते हैं। मेरे ख्याल से बारिश आ जाएगी तो वेट करते हैं, बारिश आएगी तो रुकते हैं, नहीं आएगी तो फिर चलते हैं मार्केट। और ग्लू भी चलो यार, यहीं मिल जाएगी, हाँ स्टेशनरी में मिल जाती है यहीं पे। चलो फिर चलते हैं, चलो अरे के लिए घर बनाएंगे, ओयो के लिए घर बनाएंगे, वहाँ छोएगा छोएगा छोएगा, आज लबू चा दिया। डॉक्टर ने कहा था कि इसको जब 2 टीके लग जाएंगे उसके बाद इसको बाहर ले आना, चाहे चांदनी चौक ले जाना। डॉक्टर भी खतरनाक है, अब इसको 20 दिन बाकी है, 20 दिन के बाद लगेगा दूसरा टीका, उसके बाद इसको बाहर घुमा ले जाएंगे। आगे बारिश शुरू होगी ना, ना छींटे तो आए हैं, चले स्टेशनरी पे अभी आ जाएंगे, चले 5 मिनट मारेंगे। आइए बारिश आ गई, आ गई, आइए, एक बूंद मेरे हाथ पे पड़ी है, एक ही बूंद आई होगी, तो एक बूंद एक ही से, तो एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद नहीं बूंद बूंद से गली भरती है। आपकी कमाई, वो पागल है क्या, काट देगा वो कमाई, पैसे दे रहा है उसको, इसकी दिहाड़ी है आज की। सेंस है तेरी कोई बात की, अम्मा सेंस है इसकी कोई बात की, बस लगा दोगे मीम लगा दोगे। आज सुबह से अम्मा के साथ बहुत लड़ाई हुई है इसकी, ये लड़ने नहीं रहा है, मैं बुलाऊंगी, अम्मा कह रही मैं तेरे साथ बोलूंगी नहीं, अम्मा की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, अम्मा के आगे बहुत आगे बोलता है, इसलिए अम्मा कह रही मैं तेरे साथ बोलूंगी नहीं है, अम्मा यही बात है ना, अपने से बड़ों की इज्जत करोगी तो अच्छा लगेगा ना। हाँ वही तो, और अम्मा तो यार अम्मा है, अम्मा अम्मा की तो बातें इतनी अच्छी होती है, अम्मा को तो देख के जितनी जोर से बोलो कितना अच्छा लगेगा, आराम से बोलो, अम्मा कहो दादी कहो तब तो अच्छा। मैं तो आराम से बोलता हूँ, मैं तो अच्छे से बोलता हूँ ना, कहना मानना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो मानता हूँ कहना, तो क्यों नहीं मानेगा, ये नहीं मानता ना, अकल ही उसी वैसी है, अकल नहीं है ना बिल्कुल भी, बिल्कुल अकल नहीं है। एक बार व्लॉग शुरू कर दो आज का। हेलो गाइस टू माय चैनल, वेलकम वेलकम, हेलो गाइस, हमारा ओरिया कहेगा हेलो गाइस, कहेगा ये आज बड़ी मम्मी ने ओरियो की पिटाई कर दी। पता नहीं ये कुछ नीचे से खा रहा था डस्टबिन में से, तो बड़ी मम्मी मुंह से निकालने को हिचकी, निकालने नहीं दे रहा था, काटने से लग रहा था, बड़ी मम्मी ने एक थप्पड़ मारा इसको, आराम से जाके बैठ गया। है रे गंदी चीजें खाएगा, गंदी चीजें मुंह मारेगा, है आराम से बैठ गया एक जगह पे और उदास बैठ गया कि मुझे मारा क्यों। हे गाइस, तो मैं ग्लू गन ले आया हूँ जो कि ये है, मैंने आज तक यूज नहीं किया बट पता है किस तरह से यूज करनी है, तो चलो। और मैं गत्ते भी ले आया हूँ, इतने सारे गत्ते तो यहाँ पे पड़े हैं, और ये है, तो अभी पापा जी और मम्मी जी आए हैं रूम में, मैंने फुल AC चला रखा है, और कैसा लग रहा है बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी ठंडी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा, मैं तो आप जैसे गर्मी होएगी ना यहीं आ जाऊंगी। मम्मी कह रही है गर्मियों में मैं यहीं पे आ जाऊंगी सोने के लिए।
तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है, मतलब काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस भी हमने लेंगे ऐसा कभी सोचा नहीं था। पूरा दिन पसीना नहीं सूखता पूरा दिन। आपका नीचे लगवा दूंगा एसी अगले साल ना। एक दिन यार एक दिन वो भी थे टेबल फैन में रहते थे हम। अरे हाँ बिस्तर नहीं था हमारे पास। हमारे पास ना ये पंखे नहीं थे, ये पंखे जब यहाँ आए थे कुछ भी टेबल वाला फैन रहता था। मांग के लाए थे हम सोने के लिए बिस्तर नहीं था, बराबर पड़ोसी ने हमको सोने के लिए बिस्तर दिया था। ऐसे भी दिन काटे, ऐसे दिन काटे थे। और तू इतना छोटा सा था, ये टेबल फैन दिया था उसको भी एक वो थी मकान मालिक, वो नहीं चलाने देती थी हमको। बुढ़िया मर गई बुढ़िया, इतने ऐसे सोते थे नीचे धरती में और वो भी नहीं चलाने देती थी हमको। समय समय की बात है, इतना स्ट्रगल करके हमको पाला है तो मेरे को बहुत कुछ करना है इन सब के लिए। तो अभी हम घर बनाएंगे ओरियो के लिए। तो मम्मी जी आई थी, मम्मी जी मुझे चाय देने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा आओ मम्मी जी अब तो रूम बंद हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा चल रहा है एसी, कैसी हवा है ठंडी ठंडी। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही ठंडी हवा। तो अभी काफ़ी बढ़िया प्राउड वाला फील है और बहुत अच्छा फील है ठंडी ठंडी हवा में। ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है ना। नहीं पसीना पूरा दिन पसीना नहीं। और अम्मा आ गई हमारी, देखो हमारी अम्मा आने वाली है, तो अम्मा की एंट्री होने वाली है, बड़ी तालियों के साथ अम्मा का स्वागत किया जाए। तो जो ग्लास लगवाया है ना, ये ग्लास में बाहर का भी दिखता है और अंदर का भी दिखता है। जल्दी आ, गेट बंद कर, जल्दी आओ ना, हवा चले जाएगी। हवा में आओ, ठंडी ठंडी हवा आपको भी दिलाते हैं। अब कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है अम्मा? बहुत अच्छा, पंखे में तो रेडी ठंडा 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 लग रहा है। एसी की हवा है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी हम एसी में लाएंगे, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं सोचा था भाई, वो भी जंगल का, वो भी जंगल का, भगवान ने सुन दी रे। तो अभी अम्मा से पूछते हैं, अम्मा जी कैसा लग रहा है आपको एसी में फर्स्ट टाइम? बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा 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 कूल कूल। और ये के लिए भी सही रहेगा, बाथरूम उसको बाथरूम करने के अलावा कुछ भी नहीं है, उसको बस एक कट्टा चाहिए। और ये को बस बिछा हुआ मिल जाए कट्टा, उसके ऊपर बस टॉयलेट कर देता है और तो कुछ नहीं। समुंदर आ गई, दिखाना कैसे हैं, फुल टाइट हैं। हाँ हाँ हाँ, चल रहने दो, रख दो रख दो रख दो। तो गाइज अभी हमारे पास है ये एसी का जो आउटडोर था उसका है ये, इसमें कुछ गत्ते पड़े हैं, इसमें से निकालिए सारे। और ये आपके लिए घर बना रहे हैं हम, आपके लिए घर बना रहे हैं। और ये अरे हाँ इसके साथ खेलता है और ओरियो, ले ओए। सारा काम कंप्लीट हो चुका है, अभी अभी प्लम्बर गए हैं, तो वॉशरूम का सारा काम कंप्लीट हो गया है, बाकी रूम का भी हो गया है। तो आज है 5 तारीख, टाइम हो रहा है 7:34, और इस दिन इस टाइम पे मेरा स्टूडियो कंप्लीट हुआ है। अब बस कल डेफिनेटली मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा। और जो मैं ओरियो के लिए घर बना रहा हूँ वो अभी कुछ इतना बना है, तो इसमें डिज़ाइन क्या करना है वो बाकी कल करेंगे, बिकॉज अभी काफ़ी काम हो गया था, प्लम्बर आए थे तो उसमें बिजी हो गया था मैं, तो अब इसको कल कंटिन्यू करेंगे और दिखाऊंगा किस तरह का बनता है। बाकी आप तो यही हो, मैं भी यही हूँ, आराम आराम से बनाएंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा एको आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि आपको सुन रहा होगा मेरी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही होगी, बट होपफुली शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे काफ़ी सामान आ जाएगा तब ये एक्को ना आए, आएंगे तो फिर मुझे लगाने पड़ेंगे वो फोम वाले आते हैं जो, बिकॉज ऐसे तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाऊँगा। आज मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाया बिकॉज मार्केट जाना था, छोटे मोटे काम तो करने ही पड़े, छोटे मोटे काम तो अभी उसके बाद भी करने पड़ेंगे, जैसे बाथरूम का सामान लाना पड़ेगा, बाल्टी पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, और रूम में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि रेगुलरली हम यूज़ करते हैं, तो अपने रूम के लिए सब कुछ लाना पड़ेगा। तो सामान तो अभी बहुत कुछ लेके आना है, वो आप धीरे धीरे देख लेना, व्लॉग में दिखा दूंगा मैं आपको वो तो। और फिलहाल बारिश हो रही है काफ़ी तेज़ वाली, तो मौसम काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ देखो आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी ना, ऐसी आवाज़ अंदर नहीं आ रही है, पूरा एको एको आ रहा है। तो यहाँ पे देखो इतने सारे बॉक्सेस पड़े हैं, इनको यूज़ करके ओरियो का घर बनाना है। बारिश में क्या कर रहे हो, कल शिफ्ट जाऊँगा, कल पक्का, कल शाम को, कल शाम को दोपहर के, ये काम करवाऊंगा सुबह से। हे गाइस, सो अभी सुबह के हो रहे हैं 5:53, तो व्लॉग एडिट हो गया है, और आजकल मेरे को 4-5 दिन से आदत पड़ गई है
और यू नो आजकल मुझे 4-5 दिन से आदत पड़ गई है सुबह सुबह जल्दी उठ के ब्लॉग एडिट करने की, रात को मैं सो जाता हूँ, एंड भी नहीं कर पाता, तो फिलहाल मैं इसको एंड करता हूँ। और जो भी उठ चुका है मेरे साथ में, खाना पीना दे देते मैं इसको, तो अब मैं इसको छत में ले जाऊँगा, थोड़ा घुमाएंगे फिरेंगे। और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और जो बाय करो, बाय बाय, इसको बाय करने का तरीका देखो, बाय बाय बाय।